मजीद आपको बताया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका को सिक्योरिटी और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी फाउंडेशन के तहत रिलीफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सैलाब में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस को ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत की और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने की भी हिदायत की। मजीद आपको बताया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका को सिक्योरिटी और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी फाउंडेशन के तहत रिलीफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सैलाब में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस को ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत की और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने की भी हिदायत की। मजीद आपको बताया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका को सिक्योरिटी और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी फाउंडेशन के तहत रिलीफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सैलाब में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस को ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत की और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने की भी हिदायत की।